कांग्रेस भवन का लोकार्पण कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। जी हां, राहुल गांधी की ओर से लोकार्पण कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि 20 अगस्त को राहुल गांधी नए कांग्रेस भवन यानी राजीव भवन का लोकार्पण करेंगे। इसे लेकर कांग्रेस में तैयारियों में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित कांग्रेस भवन का उद्घाटन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। सब कुछ तय समय पर हुआ तो आगामी 20 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष के हाथों कांग्रेस भवन का औपचारिक लोकार्पण किया जाएगा। पुराने कांग्रेस भवन को नए रूप में आकार दिया जाएगा। नए भवन का तेजी से फिनिशिंग वर्क चल रहा है, उतना ही तेजी से पीसीसी के कामकाज के फिनिशिंग वर्क भी चल रहा है, ताकि राहुल गांधी के आगमन से पहले कुछ ठोस बातचीत को अंजाम तक पहुँचाया जा सके। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश मुख्यालय का नया भवन शंकर नगर में बनना है। लगभग हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भवन निर्माण की गति में तीव्रता है और आने वाले 20 अगस्त तक हमारा प्रयास रह रहा है कि नए भवन का लोकार्पण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के द्वारा करवाया जा सके, और इसकी तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है और संभावना है कि 20 अगस्त तक हमारे नया भवन जो है नया भवन की लोकार्पण हो जाएगा। इस राज्य में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को नया प्रदेश मुख्यालय भवन मिल जाएगा। आपको हम बता दें कि शंकरनगर क्षेत्र में पुराना आरटीओ दफ्तर की जमीन पर नए कांग्रेस भवन का निर्माण किया जा रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे कांग्रेस भवन का नाम राजीव भवन के नाम से रखा गया है। इस नए भवन में सभी विभागों के लिए अलग अलग कक्ष बनाया गया है। हाईटेक इस भवन में वो हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जो पुराने भवन में नहीं थी। ऐसे में पुराने भवन को जिला कार्यालय बनाने पर विचार चल रहा है। फिलहाल यह कांग्रेस भवन बनकर तैयार हो चुका है, भवन को अंतिम फिनिशिंग दिया जा रहा है। ऐसे में जहां कांग्रेस में उत्साह का माहौल है, वही भवन अब खुद के लोकार्पण होने का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश टीवी। देश भर सहित प्रदेश में सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा, जहां श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामना पूरी करने भगवान शिव को जल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। राजधानी के सभी मंदिरों में सजावट किया गया, साथ ही भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। सावन में पूरे महीने शिवालयों में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना होती है। सावन माह के पहले सोमवार को शहर के विभिन्न शिव मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई है। शिव मंदिरों में सोमवार को भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिरों में जय भोले के जयकारे गूंज उठे। भक्त भोलेनाथ के पूजा अर्चना के लिए दूध, धतूरा और बेलपत्ती के साथ मंदिर पहुंचे, जहां श्रद्धा भक्ति के साथ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आराधना की। श्रावण मास भगवान शिव जी को प्रिय माना जाता है। हर बार की तरह सोमवार को शिवालयों में भगवान को विशेष भोग लगाया गया। कुमारी कन्या सावन के महीने में शिव मंदिर जाकर अपने लिए सुयोग्य वर के लिए पूजा अर्चना करती है। वही महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए उपवास रखकर शिव आराधना में लीन रहती है। राजधानी के आकाशवाणी मंदिर के पुजारी आचार्य नरेंद्र चौबे ने पौराणिक कथाओं के आधार पर सावन महीने में शिव आराधना के संबंध में देश टीवी को विस्तृत जानकारी दी। देखिए, सावन का महीना जो है ये भगवान शिव जी को बड़ा प्रिय है। क्योंकि प्रिय है? क्योंकि माता पार्वती जी ने जब शिव को अपने पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या किया था, उस तपस्या से जब भगवान प्रकट नहीं हुए तो वो जिस समय प्रकट हुए वो श्रावण का महीना था, और उन्होंने अपना जीवन फल फूल सब कुछ त्याग करके मात्र बेलपत्ती ग्रहण करके अपना शरीर को जीवित रखा था, तो महीना श्रावण था। और भगवान शिव जी को सावन का महीना बहुत प्रिय है और बेलपत्ती भी बहुत ज़्यादा प्रिय है, अमृत तुल्य है। कहा गया है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम दायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। जो भक्त अपनी जो कुछ भी मनोकामना से मात्र शिव जी को एक बेलपत्ती अर्पण कर देता है, उसके साथ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन महीने में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिव भक्तों द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। शहर के कई क्षेत्रों से शिव भक्त सुबह स्नान कर कांवड़ लेकर शिवालय पहुँचे। राजधानी के शिव मंदिरों को सजाया भी गया है, साथ ही मंदिरों में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया है। देश टीवी के लिए कैमरामैन एस गणेश के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। राजधानी के कटोरा तालाब गार्डन में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शासकीय विभागों में कार्यरत कलाकार शामिल हुए, जिन्होंने फिल्मी गीतों को अपनी सुमधुर आवाज से प्रस्तुत किया। देर शाम हुए इस कार्यक्रम में कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी, जहां दर्शकों ने उनके गीतों को सराहा, वहीं कलाकारों ने दर्शकों की जमकर तालियां बटोरी। इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सैकड़ों दर्शक देर रात तक वहां जमे रहे और कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया।
लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे आड़ी चला चला के सुख, तिरछी चला चला के सुख, बाजू मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि ये जितने भी कलाकार हैं सब शौकीन कलाकार हैं, और ये जो हम खर्च करते हैं हम अपनी जेब से खर्च करते हैं, हमें किसी के द्वारा कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता। और जितने भी कलाकार यहाँ हैं कोई ना कोई शासकीय सेवा से जुड़ा हुआ है, और सभी लोग मिलकर इस संस्था को चलाते हैं, और आने वाले समय में इसका वृहद रूप भी आपके सामने होगा और शासन की उन सभी योजनाओं के हम लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। जाते जाते एक बार फिर देखते हैं खबर की सुर्खियां। संचार क्रांति योजना के अंतर्गत बांटे गए मुफ्त स्मार्ट मोबाइल, मुख्यमंत्री ने गोट ऐप विमोचन करने समेत बांटा आबादी पट्टा। 500 प्रवक्ताओं को आपने किया प्रशिक्षित, नुक्कड़ के जरिए लाएंगे छत्तीसगढ़ में बदलाव। राजधानी में प्रदेश कांग्रेस भवन का निर्माण हुआ पूरा, संभावित 20 अगस्त को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल करेंगे लोकार्पण। सावन के पहले सोमवार को लगा मंदिरों में भक्तों का तांता, शिवालयों में गूंजे जय भोले के जयकारे। अब आप देश टीवी के सभी खबर और कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। देश टीवी के प्रतिदिन समाचार में आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।